खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर संन्यास ले रहे हैं, इस बारे में क्या नजरिया आप लोगों का? कैमरा फेस होते हैं, कहना क्या, उसने जो देश की सेवा की है क्रिकेट में रह करके बैटिंग करके जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो तो हमेशा कमी हिंदुस्तान को खलेगी, लेकिन अब और भी अच्छे बैट्समैन आ गए हैं, उसने रिटायरमेंट ले करके और बच्चों को और लड़कों नए लड़कों को चांस दिया है। सचिन विदाई किस तरह किस रूप में चाहते हैं, सचिन अंतिम मैच किस रूप में खेलना, क्या उनसे उम्मीद कर रहे हैं? देखिए उसने सारी उम्मीदें तो पूरी कर दी हैं, अब उससे और क्या उम्मीद कर सकते हैं इस उम्र में जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, अब वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा। नहीं, अंतिम मैच है, आप लोग किस रूप में विदाई देने, लखनऊ में क्या विदाई देने तैयारी की है आप लोग, अंतिम जिस दिन मैच होने जा रहा है, बम्बई मैच होगा, लखनऊ में क्या तैयारी है आप लोग? यहाँ आप लोग उसके लिए क्या नाम है, सचिन सब बच्चों का गेट टुगेदर करके सचिन के लिए बेस्ट विशेष बोलेंगे कि भाई उसने जो देश के लिए इतना किया है, इंडियन टीम के लिए इतना किया है, उसको अप्रिशिएट करेंगे। अंतिम टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं, अपना 200वां मैच खेलेंगे, उस बारे में क्या अनुभव करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि सचिन की कमी इस पूरे देश को खलेगी, साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है क्रिकेट की, जैसे हम लोग हैं, तो काफ़ी उस चीज़ की कमी खलेगी हमको। और दूसरी चीज़ यह है कि जैसे कि हर एक क्रेज़ एक यंगस्टर का रहता है, मैच भी देखता था टेस्ट मैच या वनडे मैच, तो सबसे पहला एक भय रहता था पूरी टीम या जो भी देशों की टीमों को, ये भय रहता था कि हाँ एक खिलाड़ी है 10 नंबर की जर्सी पहने जो उतरेगा, तो वो प्रभाव और पूरा प्रेशर ओपोनेंट के ऊपर एक तो काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो जाएगा। दूसरी चीज़ काफ़ी कमी खलेगी इसलिए क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच वो खेलने आ रहा है, वो कोशिश उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, दुआ भी है, साथ साथ पूरी देश की दुआएं, जैसे कि उनकी 16 साल की उम्र से लेकर के अब तक की 40 साल की उम्र तक उनके साथ रही हैं, वो हमेशा अब भी रहेंगी और आगे तक बनी रहेंगी उनके भविष्य तक। आप लोगों के आइडियल क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर रिटायर होने जा रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, फील इतना अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि 14 तारीख को जो मैच है लास्ट टेस्ट वो खेलेंगे, उसमें वो शतक करें, क्योंकि उन्होंने शुरुआत भी अपनी इसी तरह करी थी, तो जाते जाते भी हम लोगों को थोड़ा सा मनोरंजन करके जाएं। आप सचिन को किस रूप में विदाई देना चाहेंगे, उस दिन क्या करेंगे, जिस दिन सचिन की विदाई हो रही है मैच से, उस दिन आप लोग लखनऊ में क्या करेंगे? हम लोग काफ़ी पड़ाके फोड़ेंगे और काफ़ी लेंगे। आप किस रूप में उनकी विदाई चाहते हैं, क्या यादगार रूप करना चाहते हैं? देखिए उनकी यादगार तो इस देश से जब तक क्रिकेट इस दुनिया में रहेगा उनकी याद ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि दुनिया का हर खिलाड़ी चाहे वो किसी भी खेल का हो, हर आदमी ये चाहता है कि उसकी विदाई ऐसी हो जो दुनिया के बिल्कुल एक मिसाल दिया जाए कि सचिन की विदाई, क्योंकि वो उसके लिए डिज़र्व करता है। 23 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करने के बाद 23 साल पूरे जीवन का उसने अपने देश के लिए खेल के दिया है, उसकी तो हम लोग कोई भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी विदाई ऐसी होनी चाहिए कि इस दुनिया के खेल जगत को ये दिखे कि हाँ एक दुनिया का लेजेंड आज रिटायर हो रहा है, तो उसको वही सम्मान जो उसने 23 साल तक इस देश को दिलाया, इस दुनिया के क्रिकेट को दिलाया, उस सम्मान की भरपाई हो सके।